नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जेई मेंस और नीट की अनाउंस हुई नई डेट्स के ऊपर। दोस्तों 12 बजे से 1 बजे तक रमेश पोखरियाल ने स्टूडेंट्स के साथ बात की। उन बातचीत में उन्होंने जेई मेंस और नीट की नई डेट्स का अनाउंसमेंट किया हुआ है। एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में हो सकता है, 18 से लेकर 23 जुलाई के बीच में। और नीट की डेट्स के बारे में उन्होंने बताया कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को होगा, 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होगा और जेई मेंस का एग्ज़ाम 18 से 23 जुलाई के बीच में होगा। इसके अलावा सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के बचे हुए जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लेकर डेट का अनाउंसमेंट जब पूछा गया तो रमेश पोखरियाल ने क्या कहा है, देखते हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ऑन ट्यूजडे सेड दैट द डिसीजन टू कंडक्ट द रिमेनिंग पेपर ऑफ सीबीएसई क्लास 10th 12th विल बी टेकन इन अ डे और टू। रिप्लाइंग टू अ स्टूडेंट्स क्वेरी द मिनिस्टर सेड द डेट्स ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड सून एंड द डिसीजन विल बी टेकन इन अ डे और टू। मतलब अभी डिसीजन सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन को लेकर नहीं हुआ, एक से दो दिन में इस पर डिसीजन भी होगा और जल्द से जल्द ये डेट अनाउंस भी की जाएगी। दोस्तों ऐसे ही और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को साथ शेयर करें ताकि और भी जेई मेंस नीट और सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन पर तक ये बात पहुँच सके। थैंक यू।